आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो गाइस दिस इज पार्ट एट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड इसमें हम देखेंगे कि जो एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड्स का वो कैसे होता है और इसमें भी इम्पोर्टेंट क्या है देखो कि अपना फैट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है ओके okay? अब एक अब्जॉप क्या है इज द प्रोसेस बाय विच एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन पासिस थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इन टू ब्लड और लिम्फ सिंपल सी बात है अब ये कैसे हो सकती है पैसिवली भी हो सकती है एक्टिवली भी हो सकती है और फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी हो सकती है आपको क्या याद रखना है कि स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मोनोसेक्राइट जैसे कि अपने ग्लूकोज हो गए अमीनो एसिड्स हो गए और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि क्लोराइड आयंस इनका कैसे ट्रांसपोर्ट होता है सिंपल डिफ्यूजन एग्जाम में पूछा गया है कि ग्लूकोस का एब्जॉर्ब कैसे होता है तो आंसर क्या हो जाएगा अपना वाया सिंपल डिफ्यूजन ओके आगे करते हैं पैसेज ऑफ दी ब्लड डिपेंड करता है किसके ऊपर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट क्यों क्योंकि हमें पता है डिफ्यूजन जो होता है हमेशा अकर करता है फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन तो जब कंसेंट्रेशन लो होगा किसके अंदर अपने ब्लड वेसल्स वगैरह के अंदर या कह सकते हैं अपिथीलियल सेल्स के अंदर या ब्रश पोडर सेल्स के अंदर तो ही इनका क्या होगा एब्जॉर्बन होगा ओके सम सब्सटेंसेस जैसे कि फ्रक्टोस हो गया अमीनो एसिड्स हो गया इनको एब्जॉर्ब करा जाता है किसके हेल्प से कैरियर एनस की हेल्प से और इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं फेसीलेटेड डिफ्यूजन तो अब बात कर रहे हैं किसकी फ्रुक्टोज अमीनो एसिड की तो इनका एब्जॉर्ब हो रहा है वाया फेलेटेड डिफ्यूजन ओके फेसिलेटेड का मतलब क्या होता है विद हेल्प डिफ्यूजन मतलब किसी चीज की हेल्प से डिफ्यूजन करवाना तो वहाँ पे एन ए प्लस आइंस इसके साथ कंबाइन होते हैं फिर थ्रू इन मेमर इनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है ओके okay? ट्रांसपोर्ट जो होता है वाटर का और वेकेंसी एबजॉर्बेशन ऑफ वाटर कैसे होता है अपॉन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट यानी कि जहाँ पे एक ग्रेडियंट ज्यादा होगा वहां से ट्रांसपोर्ट होगा कम ग्रेडियंट वाली जगह पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर करता है अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट हेन्स रिक्वायर्स एनर्जी अब वेरियस सब्सटेंसेस या न्यूट्रिय जैसे कि अम्यूनो एसिड हो गए मोनोसेक्राइट्स हो गए इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए ठीक है एन ए प्लस आइंस इनको एब्जॉर्व किया जाता है बाय दिस मैकेनिज्म तो अब एग्जाम में एक और चीज आ सकती है कि ग्लूकोज जो है इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है सिंपल डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ठीक है बोथ ए एंड बी और डी दे देंगे आपको क्या नन ऑफ द अबव तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बोथ ए एंड बी ये इस चीज को याद रखना ठीक है वैसे इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन कम ही आते हैं आते हैं तो यूजली ग्लूकोज के बारे में ही पूछते हैं फैटी एसिड्स एंड ये इनसोलिबल होते हैं और इनको एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता ब्लड के अंदर तो इनका जो एब्जॉर्बशन है ये थ्रू ब्लड वेसल्स नहीं होता ये थ्रू होता है लिम्फ वेसल्स जो प्रेजेंट होते हैं अपने वलाये के अंदर ये हमने ऊपर डायग्राम में भी देखे थे और उनको हम क्या कहते हैं लक्टील्स कहते हैं तो यहाँ पे देखो होता क्या है सबसे पहले स्मॉल ड्रॉपलेट्स

ये कैसे थे अपने ये बेसिकली बीच में प्रेजेंट है के ठीक है ये अपने बाइल सोल्ट हैं तो इसको सराउंड कर लेता है यहाँ पे बाइल सोल्ट यहाँ पे बाइल सोल्ट आपको पता है इसके दो पोर्शन होते हैं एक हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक एंड कह सकते हैं हाइड्रो ये हो गया अपना हाइड्रोफोबिक पार्ट तो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है अपना वो कहाँ पे आ जाएगा ऐसे इस फैट के पास और ये हेड बाहर ठीक है

दीज़ आर प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स एग्जाम में पूछा गया है बहुत बारी ठीक है फिर गोलजीअप्राइटिस और वी कैन से अपने एंडोप्लास्मिक इलेक्टिकुलम जो है इसका एक्सोसाइटोसिस कर देते हैं और एंटर कर जाते हैं कहाँ पे लिम्फेटिक वेल्स में अब क्योंकि आपको पता है फैट येलो कलर का होता है अपना लिफ जो है ये भी कैसा पेयर करता है येलो कलर का अल्टीमेटली हमें पता है लिम्फ जो है वो ओपन करता है वन ऑफ ब्लड वेसल्स के अंदर तो फैट जो है कहाँ पे चले जाता है अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ओके okay, ये था मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कार्डनोमाइक्रोन जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है ठीक है अब यहाँ पे हमें छोटी सी टेबल दे रखी है जिसके अंदर बता रखा है कि किस किस जगह क्या क्या एब्जॉर्प्शन होता है तो इस टेबल को हम स्टडी कर लेते हैं हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो सॉर्ट ड्रग्स माउथ के अंदर होते हैं यहाँ पे माउथ में तो देखो बेसिकली कुछ खास एब्जॉपशन होता नहीं है स्टमक की बात करते हैं तो सिंपल शुगर्स का वाटर का एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है इंटेस्टाइन अपना मेन प्रिंसिपल ऑर्गेन और एबजॉर्बेशन ऑफ न्यूट्रेंट्स यहाँ पे fructose, glucose, ग्लूकोज फैटी एसिडोल अमीनो acids सब कुछ ही absorb हो रहा है आप देख सकते हैं फैट्स वगैरह कहाँ पे जाते हैं लिम्फ में जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर absorption होता है किसका? वाटर्स का मिनरल्स का एंड ड्रग्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे आपको वाटर रखना है कि अनडाइजेस्टेड फूड्स के अंदर से वाटर का एब्जॉर्बन कहाँ पे होता है तो आंसर है अपना लार्ज इंटेस्टाइन ओके अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म दे रखा है एसिमुलेशन तो एसिमोलेशन बेसिकली क्या होता है जो अपने substances finally reach कर जाते हैं कहां पे के पास, और फिर उनको किया जाता है for their activities. जैसे कि तो उसको करके वगैरह बनाया जाएगा, या कुछ भी किया जाएगा उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं फाइनली एसिमोलेशन ठीक है डाइजेस्टिव वेट जो होता है अपना तो जो फीसिसम होता है किसका, फीसिस का टू आउटसाइड थ्रू एनल ओपनिंग इसको हम क्या कहते हैं डिफिकेशन ओके एंड एज अ वॉलेंटरी प्रोसेस इन कैरिड आउट बाय मास पेरेस्टाइलिटिक मूवमेंट किसकी हेल्प से होता है पैरिस्टैलिटिक मूवमेंट की हेल्प से अब हम स्टडी करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वाइटाम्स के बारे में और देखेंगे उनका सोर्स क्या होता है उनका कॉमन नेम क्या है और कौन कौन से उसके फंक्शन होते हैं कैसे उनके डिसऑर्डर्स होते हैं सुनने में ज्यादा लग रहा है लेकिन है इतना मुश्किल नहीं एक बार स्टडी करते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो अपना जो मेन चैप्टर का पोर्शन यहाँ पे खत्म हो चुका है लेकिन वाइटामिन जो है दे आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स तो उसके बारे में पढ़ना जरूरी है ठीक है एग्जाम में उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से वाइटामिन की वजह से कौन सा डिसऑर्डर वगैरह होता है मेनली ऐसे क्वेश्चन आते हैं और कुछ कॉमन नेम पूछ लेते हैं कि कौन से वाइटामिन का कौन सा कॉमन नेम है तो उसी चीज को हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है देखो कि वाइटामिन किसने डिस्कवर करे तो आंसर क्या हो जाएगा अपना एनल लनिन ने ओके ये वाइटामिन थ्योरी किसने दी थी नहीं है इंपॉर्टेंट अब िन का जो नेम है उसका मतलब क्या होता है देखो लाइफ अमाइन वाइटल अमाइन तो जो अपनी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं दैट आर ओके तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें देखे देखी हैं ये हमारे लिए जरूरी नहीं है हमारे लिए जरूरी क्या है ये वाला पॉइंट देखो वाइटमिन जो होते हैं डिवाइडेड इंटू टू मेन ग्रुप्स एक होते हैं अपने कैसे फैट सॉलीबल ओके फैट सॉलीबल का मतलब क्या है कि जब ये फैट में डिजोल्व होंगे तो फैट के थ्रू ही इनका एब्जॉर्प्शन होगा अदरवाइज इनका एब्बॉप्शन नहीं होगा ठीक है एक होते हैं अपने वाटर सोल्यूबल जो वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर उनका मतलब उसके अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं फिर उनका एबजॉर्ब्शन कर लिया जाता है तो फैट सॉल्यूबल कौन से होते हैं ए डी ई e के बाकी के बचे यानी कि बी सी और पी आ जाता है अपना वाटर सोल्यूबल में अब यहाँ पे आपको देखो पढ़ना क्या क्या है और वी कैन से कि फोकस किस जगह पे रखना है सबसे पहले तो वाइटमिन ए का कॉमन नेम रेटिनॉल रेटिनॉल क्यों कहते हैं यह हमें पता लगेगा इसके फंक्शन से इसके सोर्स रीड कर लो देखो सोर्सेज तो याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट सबके सोर्सेज सेम ही होंगे ठीक है तो सोर्सेज बस पढ़ लेते हैं लेकिन आपको फंक्शंस और सिम्टम्स याद करना ज़रूरी हैं सबसे पहले फ़िश लिवर ऑयल में देखने को मिलता है एनिमल लिवर में एग योक मिल्क मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स वेजिटेबल्स जैसे कि कैरट्स ओके अब फंक्शन क्या है देखो इट इज नेसेसरी फॉर रोडोस्पिन ऑफ रोड सेल्स एंड आइडोस्पिन ऑफ सेल्स। तो रोड्स और सेल्स हमें रेटिना में देखने को मिलते हैं तो उनके फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है और वी कैन से रेटिनल पिगमेंट्स के लिए रेटिनल सेल्स के लिए जरूरी होता है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं रेटिनल कहते हैं रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रेक्रीमल ग्लैंड ये इम्पोर्टेंट नहीं है ओके वाइटामिन ए को हम एंटी डिफिशेंसी वाइटामिन कहते हैं ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है आते हैं इसके सिम्टम पे नाइट ब्लाइंडनेस ये बहुत ही जरूरी है इसको आपको याद कर लेना है नाइट ब्लाइंडनेस मतलब कि देखो अब क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए रॉड सेल्स के फॉर्मेशन में और आइडोसपेन्स के फॉर्मेशन में तो जो पिगमेंट्स होते हैं बेसिकली हमें हेल्प करते हैं रात को देखने में स्पेशली कौन से रॉड सेल्स ठीक है तो अब जब वाइटामिन ए नहीं होगा तो रॉड सेल्स नहीं बनेंगे और रॉड सेल्स नहीं बनेंगे तो हम रात को देख नहीं पाएंगे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस ठीक है अब क्योंकि लेक्रीमल ग्लैंड के फॉर्मेशन और ग्रोथ पे भी कुछ इनका रोल था तो जेरोपथैलमिया भी हो सकता है यानी कि ड्राइंग ऑफ आईबॉल डर्मेटोसिस ड्राई एंड स्केली स्किन हो सकती है किराएटों में ला किया ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा ठीक है सबसे ज्यादा चांसेस हमेशा नाइट वैनिस के होते हैं ये पूछा जाता है जैरोपथैलमिया पूछा जा सकता है कि इस केस में क्या होता है या कौन से वाइटामिन से होता है तो वाइटामिन ए से आते हैं अब हम डी पे डी को हम कहते हैं कैल्सिफेरॉल ओके okay, इसके सोर्सेज क्या हैं देखो एग यॉग मिल्क बटर फिश लिवर ऑयल इन सब में प्रेजेंट होता है विटामिन डी अब इसका फंक्शन क्या है एब्जॉर्बशन करवाता है कैल्शियम का एंड फास्फोरस का ठीक है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ पैराथॉर्मोन इसको याद नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा सेकेंड पॉइंट को मत पढ़ो इट अफेक्ट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ मैनी बॉडी टिश्यूज इंक्लूडिंग बोन्स कैसे अफेक्ट करता है वो भी हम देखेंगे विटामिन डी हैज स्पेसिफिक फंक्शन किडनी ट्यूबुलर री ना कहीं इसका मेन फोकस किस पे है, पे है या फॉस्फोरस है ठीक है तो अपना डी होता है, इसको भी इसलिए कहते है इसका मेन फंक्शन क्या है कैल्शियम का एब्जॉर्बन को इंक्रीज करना ठीक है और फिर ये क्या करता है उस कैल्शियम को डिपॉजिट करता है बोन्स के ऊपर यानी कि बोन्स मैन्युफैक्चरर है ये अगर ये नहीं हुआ तो क्या क्या हो सकते हैं देखो एंड एंडिटीज ऑफ बोन्स के अंदर चिल्ड्रो तो डिफॉर्मिटी को हम अडल्ट के क्या कहते हैं ऑस्ट्रोमल है? साथ ही साथ डेंटल अब ये सारी डिसीजेस उन जगह पे हो रही है जहां पर कैल्शियम का रिक्वायरमेंट है क्योंकि ये कैल्शियम का एब्जॉर्बन करवा रहा है तो जाहिर सी बात है कि अगर इसका डिफिशियंसी हुआ तो हमें सारी डिसीज या सारे सिम्टम्स कैसे होंगे या कौन सी जगह पे होंगे जहां पे कैल्शियम का रिक्वायरमेंट होता है तो बहुत ईजी है वाइटामिन डी कुछ इसमें समझने वाला या कुछ ऐसा याद करना में मुश्किल नहीं होने वाला ठीक है आगे मूव करते हैं वाइटामिन ई पे अब इसका इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या है सबसे पहले तो इसको हम टोकोफिरोल कहते हैं कॉमन नेम दूसरा उससे भी इम्पोर्टेंट है इसको हम कहते हैं एंटी स्टर्लिटी वाइटामिन अब ऐसा क्यों कहते हैं इसको हम समझते हैं इसके फंक्शन की हेल्प से पहले देख लो किस किस में देखने को मिलता है ये सोर्स का क्या है वीट जम वोल सीरियस एंड वेजिटेबल ऑयल अब आते हैं इसके फंक्शन पे तो इंपॉर्टेंट कौन सा फंक्शन है अपना कि यहां पे देखो सिक्स पार्ट इट मेंटेन्स नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि अगर ये नहीं हुआ तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो नॉर्मली फंक्शन नहीं करेंगे गैमिट्स वगैरह हो सकते हैं ना बनाए या कुछ मेच्योर ना हो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं एंटी स्टेलिटी वाइटामिन ठीक है साथ ही साथ इसका एक ये फंक्शन भी याद कर लेना इट ऑल्सो डिक्रीजिस वीकनेस ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, ओके एक बार हम डिसीज पढ़ लेते हैं फिर उसमें और क्लियर हो जाएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है देखो ड्यूटीसी सिम्टम्स कौन कौन से रिप्रोडक्टिव फेलियर क्यों हो रहा है रिप्रोडक्टिव फेलियर क्योंकि इसका फंक्शन क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गेंस के नॉर्मल फंक्शनिंग को मेन्टेन रखना डीजनरेशन ऑफ मसल्स मस्कुलर दॉपी ओके तो यहाँ पे देखो इसका फंक्शन दे रखा है कि इट मेन्टेन्स मसल्स ऑफ द बॉडी तो कौन कौन से फंक्शन आपको याद रखने आर वाला फोर्थ एंड सेवेंथ अब सिम्टम्स कौन कौन से हो गए रिप्रोडक्टिव फेलियर डीजनरेशन ऑफ मसल्स एंड इंक्रीज हेमोलाइसिस या ब्रेक डाउन ऑफ आरबिस क्यों होगा ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज क्योंकि हमने देखा कि उसकी स्ट्रेंथ यह बढ़ा रहे हैं या फ्रेजिलिटी डिक्रीज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर ये नहीं हुए तो अपने आरबीसी और वीक हो जाएंगे और उनका हेमोलाइसिस और वीकेंड से ब्रेक डाउन होता रहेगा ठीक है नेक्स्ट अपना फैट सॉल्यूबल विटामिन है नेक्स्ट और वीकेंड से लास्ट वाइटामिन के तो वाइटामिन के के तीन डेरिवेटिव्स होते हैं आपको कौन सा नाम याद रखना है फाइलोक्नॉन ओके तो फाइलोक्नॉन को याद रखना है आपको बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है क्या सोर्स होते हैं इसका अल्फा अल्फा ग्रास नहीं याद रखना बस पढ़ लो वीट ब्रांड वीट जम वोल वीट वेजिटेबल्स ऑयल लिवर पॉक फिश ओके फंक्शन इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि वाइटामिन के जो होता है अपना ये हेल्प करता है या नेसेसरी होता है किसके लिए फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन और बॉडी एंड सर्कुलेशन में हम पढ़ेंगे कि जो प्रोथ्रोम्बिन है अपना वो पार्टिसिपेट करता है किसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग के अंदर यानी कि अगर ये नहीं होगा तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी ठीक है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम होगा तो डेफिशिय सिम्टम्स क्या हो गया इसका फॉल्टी ब्लड क्लॉटिंग बस एक ही याद आपको याद एक ही सिम्टम आपको याद रखना है ठीक है कौन सा ऐसा वाइटामिन है जिसकी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता तो अपना वाइटामिन के

जो डीएनए के अंदर हमें देखने को मिलता है और जबकि ये वाला थायमिन जो है ये किसके लिए है के लिए ठीक है तो आपको ये याद रखना है एक क्वेश्चन पे बनता है अब इसका फंक्शन क्या है देखो ये कॉज करता है बैरी बैरी डिजीज एग्जाम में बहुत बारी पूछा गया है कि ऐसी कौन सी तो सॉरी कौन सा वाइटामिन जो बैरी बैरी डिसीज कॉज करता है ठीक है तो इस डिस में क्या होता है लॉस ऑफ हेपीटाइट वेट लॉस रिटारो डी जनरेशन ऑफ नर्व्स मसल एट्रॉपी एंड पैरालिसिस भी हो सकता है ठीक है तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है बस कि वाइटामिन बी वन का कौन सा डिसीज है ओके अब आगे मूव करते हैं वाइटामिन सी पे वाइटामिन सी को हम एक्स एसिड कहते हैं तो इसका कॉमन नेम इम्पोर्टेंट है सोर्सेज देख सकते हैं सिट्रस फ्रूट तो इसको याद करना देखो बहुत इजी है सी फॉर वाइटामिन सी एंड सी फॉर सिट्रस फ्रूट इसलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा गया भी है आप देखेंगे पी एफ में जरूर मिलेगा ये कौन सा वाइटामिन सी का सोर्स होता है तो सिट्रस फ्रूट लिखा होता है तो वही अपना आंसर हो जाएगा ठीक है अब इसके देखते हैं हम सिम्टम्स कौन कौन से हैं सिम्टम्स तो इट लीड्स टू स्कर्वी ये बहुत जरूरी है स्कर्वी याद रखना है यहाँ पे स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं दैट मीनस हम कह सकते हैं कि नेसेसरी होते हैं किसके लिए फॉर हेल्दी गम्स एंड टीथ फ्रेजिलिटी ऑफ बोन्स डी पीपल वोन्स ठीक है फ्रेजिलिटी ऑफ ब्लड कैपलरीज एक्सटेंसिव सबक्यूटेनस हेमरेज ये सब किसका है ये सब गर्वी के अंदर होता है ओके और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके फंक्शंस और क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो सबसे पहले तो ये हो गया गमसन तीत वाला एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आबीसी एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अब यहाँ पे देखो मेंटेन्स स्ट्रेंथ ऑफ वॉल ऑफ ब्लड कैपलरीज ओके सिंथेसिस करवाता है न्यूरो का तो फंक्शन बेसिकली इतने इंपॉर्टेंट है नहीं आपको बस याद रखना है कि कौन सी डिसीज कॉज कर रहा है और इसमें क्या क्या हमें चीजें देखने को मिलती हैं स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग बस ठीक है बाकी फॉलिंग टीथ हो सकते हैं वाइटामिन सी की हेल्प से क्यों क्योंकि ये हेल्प करते हैं ये कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज कार्टिलेज बोन्स टीथ एक्सेट्रा ठीक है तो सिम्टम्स और फंक्शन आपस में रिलेटेड है कोई दिक्कत होगी नहीं आपको बस इसमें एक ही चीज़ याद करनी है स्कर्वी स्कर्वी के अलावा इसमें से बहुत कम पूछा जाता है या पूछा ही नहीं जाता स्कर्वी पर फोकस रहता है सबका ओके आते हैं वाइटामिन पी पे तो इसका कॉमन नेम क्या है किस पर डेन स्ट्रेन और रूटीन आपको तीनों याद करने हैं तीनों ही ज़रूरत है ओके अब वाइटामिन पी के बारे में कुछ इतना खास एग्जाम में पूछा नहीं गया है लेकिन कुछ कुछ हमने टेस्ट सीरीज देखी थी जिसके अंदर इसका रोल पूछा था और एक ही फंक्शन आपको हर जगह इसका देखने को मिलेगा क्या मेंटेन करता है रेजिस्टेंस इन वॉल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज तो यही लाइन लिखी हुई आती है टेस्ट सीरीज में भी यही लाइन लिखी देती है कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर कौन सा वाइटामिन रजिस्टेंस मेंटेन करके रखता है तो आंसर हो जाएगा वाइटामिन पी ओके ओकेट तो अब हमारा लास्ट टॉपिक बच गया है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम तो अब इस टॉपिक को भी हम इसी वीडियो में खत्म कर देते हैं डिसऑर्डर्स बेसिकली किस वजह से होते हैं बैक्टीरियल और वायरल वायरल इन्फेक्शन की वजह से ठीक है और कुछ कुछ पैरासाइट जैसे कि टेप वॉर्म हो गया राउंड हो गया ये भी इन्फेक्ट करते हैं तो इस वजह से भी डिसऑर्डर्स होते हैं सबसे पहला एंड मोस्ट कॉमन जो है अपना वो है जॉन्डिस जॉन्डिस के अंदर कौन सा organ इफेक्ट होता है आपको ये पता होना चाहिए तो लिवर इसके अंदर होता क्या है स्किन एंड आइज टर्न येलो क्यों क्योंकि यहाँ पे जो अपना येलो वाला पिगमेंट होता है ठीक है वो गेस था बिली रुबिन था गेस ठीक है आप एक बार चेक कर लेना ये हमने कवर करा है तो इस डिस के अंदर एक्सेसिव सिक्रेशन जाता है किसका? बिली रुबिन का तो इसलिए आपकी बॉडी जो है पूरी की पूरी येलोइ अपेयर करती है आपके हैंड्स हो गए आई का जो वाइट पोशन है सब येलो अपेयर करता है ओके फिर है वॉमिटिंग तो वामिटिंग बेसिकली क्या है इजर्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू माउथ और इसको कौन कंट्रोल करता है वामिट सेंटर जो अपना प्रेजेंट होता है मेड्यूला के अंदर तो अभी तक हमने आई गेस आपको याद होगा तो सारी चीज़ें देखी कि अपना जो स्वॉलिंग सेंटर है मेडूला में है और पेरिसलिसिस सेंटर जो है मेड्यूला में है वॉमिट सेंटर जो है वो भी मेड्यूला में है तो कहीं कही ना कहीं मेड्यूल जो है अपनी पूरी डाइजेशन की प्रोसेस जो है उसको कंट्रोल करता है ठीक है आगे मूव करते हैं नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे हमें डायरिया तो डायरिया में क्या होता है अब नॉर्मल फ्रिक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट ओके इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल इज नोन एज डायरिया ये किस वजह से होता है रिड्यूस ऑफ फूड ओके कॉन्स्टिपेशन के केस में फीसीज आर रिटेन विद इन रेक्टम क्योंकि बाउल मूवमेंट जो होते हैं देर इेगुलरली तो फीसीस जो है बेसिकली उसका कम्प्लीट एलिमिनेशन नहीं हो पाता एंड लास्ट इज इनडाइजेशन जहाँ पे क्या है कि फ्रूट जो है प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता लीडिंग टू फीलिंग ऑफ फुलनेस ठीक है और ये किस वजह से होता है इन एडोकुएट एनजाइम सिक्रीशन एंगजाइटी फूड पॉइजनिंग ओवर ईटिंग या स्पाइसी फूड की वजह से तो बहुत ही सिंपल है आपने ऑलरेडी सुन भी रखे होंगे यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि कभी आपने सुना ही नहीं है ठीक है तो ईजिली ये याद हो जाना चाहिए तो देखो यहाँ पे अपना ये चैप्टर होता है कम्प्लीट लेकिन अभी इस चैप्टर में कुछ ऐसे टर्म्स हैं कुछ अपने टर्मिनोलॉजीज हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो पूछी भी जाती है तो उसको हम लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे छोटा सा वीडियो होगा अपना अप्रॉक्सीमेटली टेन मिनट्स का तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना ठीक है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में उसके बेसिस पे क्वेश्चन आए हैं तो अप्रोक्सीमेटली उसके अंदर हम प्रीवियस ईयर की सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में इतना ही थैंक यू सो मच